जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला, एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज की विशेष खबर। 11 अप्रैल राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, इनके संयुक्त जयंती के उपलक्ष में मूल निवासी संघ के माध्यम से पूरे देश भर में जिला स्तरीय राष्ट्रव्यापी मूल निवासी मेला का आयोजन किया जाता है। इस साल भी महाराष्ट्र के ठाणे में जिला स्तरीय मूल निवासी मेला बुधवार दिनांक 1 मई को उल्लासनगर शहर में मनाया गया, जहां भव्य कुटुंब संस्कार शिविर का आयोजन भी किया गया। शिविर के प्रशिक्षक के तौर पर अमरावती से मान्यवर अर्चना बंसोड़े और मान्यवर डॉक्टर नीलिमा भटकर ने अपना योगदान दिया। कार्यक्रम के अध्यक्ष मान्यवर दयाराम जी के नेतृत्व में मूल निवासी संघटक मैगजीन का प्रकाशन भी किया गया। इस वक्त कई कार्यकर्ता एवं सदस्यों की मौजूदगी रही। बुधवार दिनांक 1 मई को महाराष्ट्र के ठाणे में जिला स्तरीय मूल निवासी मेला उल्लासनगर शहर में मनाया गया, जहां भव्य कुटुंब संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के प्रशिक्षक के तौर पर अमरावती से मान्यवर अर्चना बंसोड़े और मान्यवर डॉक्टर नीलिमा भटकर ने अपना योगदान दिया। इस भव्य कुटुंब संस्कार शिविर का आयोजन महिंद बुद्ध विहार तक्षशिला विद्यालय सुभाष टेकड़े उल्लासनगर कैंप नंबर 4 में संपन्न हुआ। मान्यवर अर्चना बंसोड़े ने उपस्थित परिवार के लोगों को संबोधित करते हुए अपने राष्ट्र नायक नायिका तथा महापुरुषों के दृष्टिकोण से परिवार कैसे थे और कार्य कैसे रहे, इसकी विस्तृत में जानकारी दी। तो मान्यवर डॉक्टर नीलिमा भटकर ने परिवार से एकजुट होकर विचार विनिमय करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज हमारे घर में जाने अनजाने और दूरदर्शन के जरिए पुरोगामी महापुरुष और महानायिकाओं की सभ्यता और आदर्श के खिलाफ संस्कृति का हमला हो रहा है। उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र भी एक गुलामी का प्रतीक है। उन्होंने आरोग्य की जानकारी बताते हुए सुजुक थेरेपी की थोड़ी झलक भी दिखाई। इसके साथ ही दोनों प्रशिक्षकों ने उपस्थित लोगों को प्रश्न पूछकर उनकी राय तथा उत्तर जाने। कार्यक्रम के दौरान 5 ग्रुप बनाकर राजमाता जिजाऊ, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, साथ ही रमा माई, इनके आदर्श के प्रचार प्रसार हेतु हम क्या कर सकते हैं, इस विषय पर प्रतिनिधि सत्र सम्मिलित किया गया। संघर्ष तरुण मित्र मंडल की ओर से कुरला कैंप में सांस्कृतिक कार्यक्रम और मूल निवासी संघटक पाक्षिक के नए स्वरूप का प्रकाशन एवं प्रबोधन सत्र आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के सहयोगी संघटना संघर्ष तरुण मित्र मंडल, उन्मेष नवयुवक मंडल, सुमेध मित्र मंडल एवं अभ्यंकर प्रतिष्ठान समता मित्र मंडल, इन्होंने सहयोग किया। कार्यक्रम की संचालना मूल निवासी संघ उल्लासनगर तालुका के अध्यक्ष मान्यवर सचिन मगरी ने किया। मूल निवासी संघ ठाणे जिला के अध्यक्ष मान्यवर संतोष थोरात, इन्होंने प्रस्तावना में कहा कि यह मूल निवासी मेला आयोजित करने का हमारा दोहरा उद्देश्य है। पहला 11 से 14 अप्रैल को फुले साहब और बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में मूल निवासी भोजन समाज के नाच गाना जुलूस डीजे डेकोरेशन में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन आंदोलन के लिए उपयोग में नहीं आते हैं। वे रुपए आंदोलन के प्रति उपयोग में इस्तेमाल हो, और दूसरा जाति जाति में बटे बहुजन समाज के लोगों की घृणास्पद जातिगत पहचान को नष्ट करके मूल निवासी गौरवशाली पहचान से अवगत करा के संगठित करना है। मूल निवासी संघ के सदस्य मान्यवर संजय मोहिते, इन्होंने प्रबोधन सत्र को मद्देनजर रखते हुए सभी को मूल निवासी संघ में शामिल होने की अपील की। इस वक्त कार्यक्रम में मराठा युवा विचारवंत एवं मराठा सेवा संघ के मान्यवर गंगाधर सारुंखे, मूल निवासी संघ के केंद्रीय सदस्य मान्यवर विक्रांत लोखंडे, इन्होंने भी मौजूद लोगों को संबोधित किया। बामसेब महाराष्ट्र राज्य के उपाध्यक्ष मान्यवर विशाल गायकवाड़, इन्होंने मूल निवासी संघटक नए रूप में पाक्षिक की जानकारी दी, और मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर दयाराम जी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए समय की गरिमा को देखकर प्रबोधन सत्र के विषय पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मनुवाद के नियमों को लेकर सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सन 1950 से लेकर आज तक हमारे ओबीसी के बांधव सरकार से कह रहे हैं कि हमारी जातिगत जनगणना करें, लेकिन सत्ता में बैठे शासक जाति के लोगों ने आज तक जातिगत जनगणना नहीं की। कार्यक्रम के अंत में मूल निवासी संघ ठाणे जिला उपाध्यक्ष मान्यवर श्रीकांत वंसारे, इन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस प्रशासन सहयोगी संगठना मान्यवर राजू भालेराव सज्ञान, साथ ही उपस्थित मान्यवरों का और नागरिकों के आभार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई कार्यकर्ता एवं सदस्यों ने परिश्रम लिए।